हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग करते हैं डे 8। हम लोग इसमें देखने न्यूमेरिकल कंसेप्ट हम लोग देखने वाले दोस्तों लेंस और मिरर से रिलेटेड, ठीक है? क्योंकि जब इस बार 28 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था तो एक न्यूमेरिकल पूछ दिया था, तो हम लोग बेसिक बात करेंगे। हालांकि बहुत पहले बहुत कुछ बात हो चुका है, न्यूमेरिकल से रिलेटेड हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है? शॉर्ट वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, ठीक है? चलिए, तो धाकड़ प्रश्न का कलेक्शन इस चैनल के साथ आप लोग जुड़ के और एंजॉय कर सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए तो हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात हम शॉर्ट में बात करेंगे, लेंस के बारे में बात कर लें, ठीक है? क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, हम ये फॉर्मूला आपको दिए थे पहले, आपको यहाँ बोले थे याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है जो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि माइनस किस में लगाना है, प्लस किस में लगाना है। तो लेंस हम लोग पहले बात कर लेते हैं, ठीक है? लेंस फार्मूला, तो फार्मूला तो पहले आपको याद ही रखना है, 1/f = 1/v - 1/u। आपको पता है ये फोकल लेंथ होता है, और v क्या होता है बताइए? इमेज डिस्टेंस होता है, और ये u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लग क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन BPSC एग्जाम में आया होता है, ठीक है? स्टेटमेंट लग क्वेश्चन, देखिए जो देखिए, ये मान लीजिए लेंस है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, पता है कि नहीं? देखिए इधर इधर लेफ्ट राइट इधर लेफ्ट जाते हैं तो यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इधर इधर राइट के जो इमेज बनता है इमेज डिस्टेंस, ये भी इसको वी बोलते हैं, पता हो इस बात को पता होना चाहिए आपको, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? लेंस के केस में क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। यहाँ पर लिख दिया PDF में, क्योंकि PDF आपको ग्रुप में मिलेगा, पेड लग ग्रुप में, जिसका चार्ज 150 है, ठीक है? इसके बारे में बात करेंगे बाद में। चलिए तो इसको क्या बोलते हैं, एक पॉइंट याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं लेंस में, याद रखना, ठीक? क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में यू और राइट में वी, आपको पता है लेफ्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है? ऑप्टिकल सेंटर से, याद रखना, ठीक है? ये चीज़ याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है स्टेटमेंट वाला, क्योंकि मिरर में पोल से होता है, मिरर में किसे होता है? मिरर में पोल हो जाता है, और इसमें ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। चलिए बस आपको फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ माइनस होता है, और मैग्नीफिकेशन आवर्धन जो होता है दोस्तों इसका इसका वी बाई यू, यहाँ प्लस होता है, उल्टा होता है। देखिए लेंस में क्या था कि यहाँ माइनस है, यदि मैग्नीफिकेशन पूछ देगा आवर्धन तो वी बाई यू, वी मतलब इमेज ऑफ डिस्टेंस अपन ऑब्जेक्ट, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बताए ना कि प्रिंसिपल एक्सिस ये है, उसको ऊपर लेंगे, हाइट ऑफ इमेज होता है, इसको ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, इसके नीचे इमेज लेंगे तो नेगेटिव लेंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए तो आपको याद रखना है दोस्तों, हमेशा फोकल लेंथ जो होता है दोस्तों कन्वेक्स में हमेशा रखना है पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ कन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रखना है पॉइंट, ठीक है? फोकल लेंथ हमेशा, क्योंकि न्यूमेरिकल आ गया था इस बार, और न्यूमेरिकल में एक बार थोड़ा सा साइन गलती कर दीजिएगा तो आपको न्यूमेरिकल पूरा गलती हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है आपको। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस जहाँ भी मिलेगा आपको वहाँ पे फोकल एफ जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, और कनकेव में हमेशा नेगेटिव होगा, याद रखना, ठीक है? लेंस का बात कर रहे हैं हम, कनकेव एफ मतलब फोकल लेंथ क्या होता है? कनकेव अवतल में हमेशा नेगेटिव होता है, और कन्वेक्स उत्तल में हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा रट लीजिए, ठीक है? न्यूमेरिकल में गलती नहीं होगा। और जिसको पॉइंट को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं हम? ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, लेफ्ट साइड में यू मतलब नेगेटिव लेते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव लेते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है? मैग्नीफिकेशन पता चल गया, ये सिंपल बात कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा छोड़ नहीं बात करना, ठीक? चलिए तो मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ इमेज है, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है? प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव है, इधर बनता तो नेगेटिव है। उसी तरह यू का वैल्यू लेफ्ट ऑप्टिकल सेंटर आप प्रकाशित केंद्र से लेफ्ट लेंगे तो माइनस में होता है यू, और इधर कर लेंगे तो यू पॉजिटिव होता है, बस ये बात आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है? चलिए अब हम मिरर देख लेते हैं। देखिए मिरर में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, लेंस में यहाँ प्लस था मैं माइनस, अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा मिरर में, ठीक है? कन्फ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में बहुत गलती हो जाता है, आपको लग रहा है आसान है, लेकिन एग्जाम में प्रेशर में हो जाता है माइनस प्लस, पता चला कि लेंस की जगह मिरर का फॉर्मूला बना दिए और न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए, आंसर आपको मिल जाएगा वहाँ पे, लेकिन वो गलत हो जाएगा आपका, तो यहाँ प्लस है, ध्यान देना आपको, ठीक है? आपको पता है टर्मोलॉजी, एफ क्या होता है, यू क्या होता है, वी पहले बता चुके, आपको ध्यान देना जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है मिरर के केस में दोस्तों, ये एक पोल होता है, ठीक है? इधर यू होता है लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड में वी होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। यहाँ पोल किससे डिस्टेंस मेजर करते हैं? पोल से, ये याद रखना है, पोल रखना है मिरर में, और उसमें ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है? ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रकाशित केंद्र, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है? तो इसलिए आप लिख दिया, डिस्टेंस हमेशा पोल से नापा जाता है, और उसमें ऑप्टिकल सेंटर से नापा जाता है लेंस के केस में। देखिए इसके केस में यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि यू हमेशा लेफ्ट साइड में हमेशा रहता है, तो यू को हमेशा जब भी बोले यू का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देगा तो हमेशा नेगेटिव के साथ पुट कीजिएगा न्यूमेरिकल में, ठीक है? हमेशा नेगेटिव होता है। चलिए एफ के केस में कन्वेक्स में सेम कंडीशन है, कन्वेक्स में क्या होगा? पॉजिटिव, जो पहले जो लेंस में था वही भी यहीं पे, और कनकेव में क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है? और देखो वी जो होता था कन्वेक्स लेंस में, सॉरी कन्वेक्स मिरर में जो वी होता है, देखा मिरर पढ़ रहे हम लोग, तो हमेशा कन्वेक्स मिरर में वी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वी मतलब इमेज डिस्टेंस मतलब पोल के राइट बनता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनता है, या तो डायग्राम से देख सकते हैं इमेज जहाँ बनेगा, इसलिए याद कर लीजिए कि कन्वेक्स लेंस में जो नेगेटिव, आप देखिए
प्लस और माइनस आपको समझ में आ रहा है ना क्या मतलब बोलना चाह रहे हैं। तो कन्वेक्स में हमेशा एफ पॉजिटिव होता है और एफ नेगेटिव होता है कनकेव में। लेकिन आपको एक याद रखना याद कि जो वी होता है इमेज इमेज जो होता है इमेज डिस्टेंस वो हमेशा पॉजिटिव होता है किसमें कन्वेक्स मिरर में। पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे से। जैसे मान लीजिए ये पोल है मिरर के केस में पोल है तो लेफ्ट में लेफ्ट डिस्टेंस मेजर करते तो नेगेटिव और राइट मेजर करते तो पॉजिटिव। ये बात पता है ना आपको, पढ़े होंगे आप लोग अच्छा तरीका से, ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है ठीक है। तो बस आपको यही छोटा सा सिंपल बताना था। और एक चीज़ आवर्धन देख लीजिए एम कहाँ गया भाई, देखिए ये एम देखिए यहाँ पे मिरर में क्या था पॉजिटिव है यहाँ पे माइनस हो जाएगा ठीक है माइनस भाई। तो फॉर्मूला याद रखना, बाकी जो यू वी एफ आपको पता हो जाएगा क्योंकि इतना तो पढ़ लिखे हैं आप लोग ग्रेजुएशन किए तो आपको पता ही होगा यू कैसे नापा जाता है वी कैसे होता है यू पॉजिटिव कब होता है यू वी नेगेटिव कब होता है ठीक है। बस आपको बेसिक याद रखना है कि एफ जो होता है कन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होता है और कनकेव में हमेशा नेगेटिव होता है। बस ये याद रख लीजिएगा तो न्यूमेरिकल आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला ठीक है। और जब भी न्यूमेरिकल में फॉर्मूला डालिएगा डाटा तो साइन कन्वेंशन के साथ डालना है ठीक है, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। जो जो कि इस बार एग्जाम में आया हुआ था वो गलती कर दिया था लोग ठीक है। चलिए तो वो रिविजन करवा देते हैं आपको। चलो लेंस के बारे में फार्मूला लिख दे, कहाँ के लेंस, लेंस का क्या बोला, जैसे फार्मूला मिरर लेंस फार्मूला बोलेगा तो वन बाई एफ वन बाई वी यहाँ क्या होगा वन माइनस माइनस में होगा होगा माइनस लेंस का बात कर रहे हैं। उसी तरह आवर्धन क्या होता है एम, यहाँ नेगेटिव लिए तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव ले देंगे, ये भी होता है। या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी होता है, कोई भी याद कर लीजिए डाटा कोई भी देगा, ये लेंस का हो गया ठीक है। उसी तरह हम लोग याद कर लेते हैं मिरर का, मिरर का कैसे लिखना है, मिरर का बताइए वन अपॉन एफ वन बाई वी, मिरर में क्या रखना है पॉजिटिव होता है ठीक है, यू होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा ठीक है। जब यहाँ पॉजिटिव हो गया तो आवर्धन में क्या होता है एम मैग्नीफिकेशन माइनस में हो जाएगा वी बाई यू। इमेज वाला ऊपर होता है ऑब्जेक्ट वाला नीचे होता है, दोनों सेम ही है बस एक में माइनस होता है एक में माइनस नहीं होता है, इसमें भी कर सकते हैं वही चीज़ ठीक है। तो याद रखना हमेशा क्या पॉइंट बोले कि कन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस, उत्तल में हमेशा एफ पॉजिटिव रखना है और आवर्तन मतलब सॉरी अवतल कनकेव में एफ हमेशा नेगेटिव रखना है ठीक है, पता है ना। ये देखिए ये कौन सा लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है, इसको क्या बोलते हैं उत्तल लेंस बोलते हैं ठीक है। और इसी तरह ये भी बनाते, देखिए ये वो कनकेव लेंस है मतलब अवतल लेंस है, ये अवतल है और ये क्या कौन सा है उत्तल है ठीक है। ध्यान रखना इसके केस में हमेशा एफ क्या होता है पॉजिटिव, इसके केस में एफ क्या होता है नेगेटिव, ये याद रखिएगा तब ना दिमाग में काम करेगा ठीक है। थोड़ा सिंपल था लेकिन है काम का, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा इसमें साइन कन्वेंशन गड़बड़ी कीजिएगा तो आपका तीन नंबर सीधा मतलब तीन नंबर मिलने के छोड़ के आपको माइनस एक नंबर मिल जाएगा, याद रखना आपको ठीक है। तो ध्यान दीजिए गलती नहीं करना, साइन कन्वेंशन के साथ यूज करना है क्योंकि इस बार पूछा है एक न्यूमेरिकल पूछा गया था ठीक है, हो सके अगला बार भी जो एग्जाम होगा तो वहाँ भी पूछ सकता है, आपको इस बात को ध्यान रखना है वहाँ पर ठीक है। चलिए हालांकि यहाँ क्वेश्चन दिखाना था लेकिन नहीं ले आए, कोई बात नहीं कोई समझ जाइएगा आप लोग, इसमें क्वेश्चन हम देना भूल गए देना जा रहे थे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। क्वेश्चन पूछा है यहाँ बोल देते हैं कन्वेक्स लेंस जो फोकल लेंथ दिया है एफ ठीक है, तो देखिए मेरे कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, देखिए क्या पूछा मैं यहाँ बता रहे हैं आपको ठीक है, पढ़ के बता रहे हैं कहाँ गए भाई, अरे कहाँ, चलिए क्या देखिए क्वेश्चन, देखिए हिंदी में बता देते हैं आपको क्या क्वेश्चन पूछा था। देखिए क्या पूछा था, एक अवतल लेंस का फोकस की दूरी 15 सेंटीमीटर होती है, कौन सा लेंस अवतल मतलब कनकेव लेंस, देख कनकेव लेंस आया तो कनकेव लेंस में बताया लेंस का फार्मूला पूछा था ना, तो सबसे पहले दिमाग रखना था वन बाई एफ इज इक्वल टू वन बाई वी अपन वन बाई यू, एट होता है। चलिए क्या बोला कनकेव बोला अवतल बोला तो अवतल का क्या होता है एफ माइनस में होता है, तो कितना दिया था 15 तो माइनस 15 हो जाएगा यहाँ पे ठीक है। अब क्या दिया है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यू बोल रहा है यू मतलब ऑब्जेक्ट मतलब हमेशा नेगेटिव लेना है, तो चलिए कोई बात नहीं पूछा क्या इमेज डिस्टेंस मतलब वी पूछा हुआ है तो वन बाई वी यहाँ पे वन बाई यू मतलब माइनस लेंगे माइनस यू, तो माइनस माइनस प्लस होगा यू, कितना दिया भाई 30 ठीक है। अब बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला फिर ठीक है, माइनस 15 माइनस 1 अपन 30 ठीक है, 15 दूनी 30 और एक ठीक है, उसको यह पूछा हुआ वन बाई एफ तो उसको उल्टा कर देंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा ठीक है। तो ये बात आपको फार्मूला पूछा हुआ था एक बार देख लीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन भेज देंगे वहाँ पे ठीक है। चलिए जिनको पेड ग्रुप में जुड़ा है तो पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा आपको, 150 का चार्ज रखा गया अभी जुड़ सकते हैं नवरात्र तक है ये,
8968765101। ठीक है, ये पीडीएफ आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वहीं पे मिल जाएगा आपको 150 चार्जेस का। मिलते हैं अगले वीडियो में।